कैन यू रिप्लाई मी इज इट वर्किंग नाउ बिकॉज थोड़ा सा टेक्निकल इशूज आ गया था इस वजह से आपकी थोड़ी सी क्लास लेट हो गई कैन यू रिप्लाई मी इज इट वर्किंग और नाट ऑडियो वीडियोज एवरीथिंग इज फाइन या फिर अभी भी कोई टेक्निकल इशू आ रहा है कैन यू रिप्लाई मी वैसे टेक्निकल इशूज आपके रेक्टिफाई कर दिए गए हैं या नाउ इट्स वर्किंग ना थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था उसको रेक्टिफाई करने में आपके बीस मिनट एक्स्ट्रा लग गए बट नो इशूज हम क्लास आपके वापस आप कंटिन्यू कर ही लेंगे तो ओके गाइस एवरीथिंग इज़ फाइन हेयर तो चलिए आज हम बात करेंगे क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के बारे में कि क्रिटिकल एंडेंजर्ड जो स्पीशीज़ होती हैं हमारे वो कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं क्योंकि तो आपके जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर बहुत सारे कुछ मीमल्स हैं कुछ आपके स्तनपाई हैं कुछ आपके एम्फीबियंस हैं जो हमारे इंडिया में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और डेफिनेटली आपके कम से कम दो क्वेश्चन हर साल मिनिमम यहाँ पर आपके क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीशीज से आते ही आते हैं तो इसीलिए इनके ऊपर ध्यान देना हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा तो आज सारी स्पीशीज को हम करेंगे साथ साथ में आप लोग इसे लिखते रहिएगा क्योंकि अगर आप इन्हें लिखते रहोगे तो ज़्यादा ठीक होगा क्योंकि आज क्या है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कुछ कंटेंट आपका इंग्लिश में अवेलेबल है तो उसे हम बोर्ड पर लिखेंगे कुछ बोलकर भी बताएंगे तो आप साथ साथ में लिखते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि सारे फैक्ट आपके एक साथ एक ही क्लास में इतने सारे स्पीशीज को कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है तो कोशिश करेंगे कि आज एक ही क्लास में सारी स्पीशीज कवर हो जाएं और आप साथ साथ में लिखते रहेगा तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं दिस इज मी एस के शर्मा आई हैव ए फाइव ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस आई एफ टू टाइम्स यू इंटरव्यू फोर टाइम्स यूपीएससी मीनस एग्जाम आई ऑल्सो क्वालिफाइड आर एग्जाम और देखिए हमारी क्लासेस के बारे में आपको पता ही होगा टेन थर्टी और ट्वेल्व पी की क्लासेस के और इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है अन जहाँ पर आप टोटल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज का फायदा उठा सकते हैं इंडिया के बेस्ट एट्टी टीचर्स से आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस आपका कवर करवाया जाएगा और डिजाइंड मैनर के अंदर आपके प्री और मीज सभी की टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर अवेलेबल रहेगी इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर अनअकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना होगा फिर आप इस प्रकार गेट सब्सक्रिप्शन पर जाकर यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अगर आप वन ईयर का सब्सक्रिप्शन लेना चाहेंगे तो वन ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है वो है फोर्टी थाउजेंड का और टू ईयर सब्सक्रिप्शन हो जाता है आपका का. अगर आप यूज करेंगे, तो एस एस लाइव रेफरल कोड के साथ वन ईयर सब्सक्रिप्शन थर्टी सिक्स थाउजेंड था। और टू ईयर सब्सक्रिप्शन आपका फोर्टी सिक्स थाउजेंड में आपको मिलेगा तो टेन परसेंट का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अगर एस एस लाइव रेफरल कोड के साथ में तो ध्यान रखिएगा रेफरल कोड है एस एस एल आई बी ई तो आप यहाँ पर कंपेरिजन कर सकते हैं अगर आप वन ईयर सब्सक्रिप्शन लेंगे तो वो है आपका थर्टी सिक्स थाउजेंड और टू ईयर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं एस एस लाइव रेफरल कोड के साथ तो वो है फोर्टी सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड यानी अगर आप यू पी एस या ट्वेंटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टेन में आप वन ईयर का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जिसमें आपको सारे कोर्सेज अवेलेबल होंगे टोटल अनलिमिटेडली आपका एक्सेस आपको मिल जाएगा अगर आप फिलिम्स 2020 के लिए कंप्लीट करंट अफेयर्स करना चाहते हैं तो अनकेडमी पर हमारे इस कंप्लीट कोर्स फॉर करंट अफेयर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो और ये कोर्स आप ज्वाइन करेंगे एस एस लाइव रेफरल कोड के साथ में ठीक है एस एस लाइव रेफरल कोड के साथ में आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपके सभी करंट आपको करवाए जाएंगे और पीडीएफ आपको यहां पर मिलती है हाँ कुछ बच्चे कह रहे हैं कि पीडीएफ नहीं मिला दो दिनों से थोड़ा सा व्यस्त होने की वजह से हम आपके पीडीएफ नहीं डाल पाए पर आज शाम तक आज शाम तक आपको जितनी भी क्लासेस के पी अभी तक नहीं मिले हैं वे सभी पी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे और उस चैनल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप सर्च कर सकते हैं ऐट द रेट अन अकेडमी एस के शर्मा और यहीं पर आपको सारे पी मिलेंगे तो जितने भी क्लासेस के मैराथन क्लासेस के नॉर्मल हमारी जो क्लासेस उनके दो तीन दिन से हम पीडीएफ नहीं डाल पाए उन सभी पीडीएफ को आप यहां पर आकर ले सकते हैं तो इस तरीके से आप पीडीएफ को ले पाएंगे और कोर्स ज्वाइन करने के लिए ध्यान रखो एस एस लाइव रेफरल कोड आपको या यूज करना है गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू वेरी वेरी गुड आफ्टरनून तो चलिए शुरुआत करते हैं और ध्यान रखिएगा आपको आज लिखना होगा ठीक है क्योंकि बहुत सारी स्पीशीज़ हैं इतनी सारी स्पीशीज़ हैं आपके कि कुछ कुछ चीज़ें आप भूल सकते हो तो कुछ कंटेंट भी आपके इंग्लिश में है क्योंकि डायरेक्ट जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की कुछ रिपोर्ट्स हैं उनसे आपके कलेक्शन किया गया है तो उनके जो मेन मेन कीवर्ड्स हैं आपके उन्हें हम हिंदी में लिखेंगे और साथ साथ में जो चीज़ें हम बोल रहे हैं उन्हें आप नोट कीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा सेशन बहुत इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले आप ये चीज़ समझ लीजिए कि हमारा जो आई है उसके रेड लिस्ट में आपके टोटल नाइन कैटेगरीज हैं कितनी कैटेगरीज हैं टोटल नाइन कैटेगरीज हैं तो यूपीएससी पूछ सकता है टोटल आपके नाइन कैटेगरीज हैं और उन नाइन कैटेगरीज में से एक कैटेगरी जो है आपके वो आपके बहुत ही डेटा डेफिशिएंट है जिसके बारे में गणना नहीं की जाती इसलिए आपके आठ कैटेगरीज को ही यहाँ पर लिखा गया है और जिसमें से दो कैटेगरीज हमारे कोई काम की नहीं है एक तो इवेल्युएट ही नहीं होती मूल्यांकन नहीं होता और एक का डेटा हमारे पास बिल्कुल सफिशियंट नहीं होता अब इसमें से हमारा जो मेन मुद्दा बचता है वो है आपके अब देखिए यहाँ पर कोलैप्स जो है ये दो प्रकार की होती है एक तो होता है आपके विलुप्त हो गए जानवर यानी एक्सटिंट और एक होता है आपका एक्सटेंट इन वाइल्ड यानी कि जो कि जंगलों में आपके विलुप्त हो चुके हैं यानी कि बिल्कुल इनकी संख्या ही खत्म हो गई है तो ये आपके दो प्रकार के होंगे मेन हमारे पास क्वेश्चन आते हैं हमेशा इस सेक्शन से जो कि है थ्री स्पीशीज जो कौन से हैं आपके हिंदी में बोले तो लुप्त प्राय जानवर तो आपके लुप्त प्राय जितने भी वन्य जीव हैं पादप हैं उनकी हम चर्चा करेंगे और इसमें से भी सबसे ज्यादा जो विलुप्ति की कगार में है कि जस्ट एक्सटेंट होने वाले हैं वे हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड वन्य जीवों पर ही आज का पूरा सेशन है कि भारत में ऐसे कौन कौन से जीव हैं कौन कौन से उभयचरी हैं कौन कौन से स्तनपाई जीव हैं कौन कौन से आपके फिशेज हैं कौन कौन सी मछली हैं तो वो सभी आपके कौन से गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं तो ये चीज ध्यान रखिएगा आपके क्रिटिकली एंडेन्जर्ड और फिर इसी के अंदर आपके थ्री स्पीशीज में ही एंडेंजर्ड और वर्नरेबल ये तीन आते हैं संकटग्रस्त और अति संकटग्रस्त या गंभीर रूप से संकटग्रस्त तो आज हम बात करने वाले हैं इसकी क्रिटिकली एंडेंजर्ड की क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं इज दैट क्लियर तो इन सभी का डिफ्रेंसेस का मतलब भी आप ध्यान रखेंगे तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे पक्षियों की कंटेंट जो है आपका उसे हिंदी में साथ साथ लिखते जाइएगा हम आपको हिंदी में लिखते रहेंगे क्योंकि डायरेक्ट जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है और देखिए कोई भी अच्छी बुक भी आपके हिंदी में अवेलेबल नहीं है और डायरेक्ट वेबसाइट से आपके हिंदी में कंटेंट अवेलेबल नहीं है और खासकर आपके जो शुद्ध हिंदी अगर इनकी लिखी गई तो इनका अर्थ का अनर्थ हो जाता है और एग्जाम आपके यूपीएससी क्या करता है एग्जैक्ट जैसे कि बर्ड का नाम है आपका जार्डन काउजर तो इसी को एग्जैक्ट ऐसे ही वर्ड लिखेगा वो कोई उसकी हिंदी करने नहीं बैठेगा यूपीएससी एग्जैक्ट यही वर्ड लिख दिया जाएगा आपका हिंदी में तो इसीलिए थोड़ा बहुत आपको हिंदी का के साथ साथ इंग्लिश को भी ध्यान देना पड़ेगा एनवायरमेंट में तो क्योंकि तो कोई अच्छी बुक आपके एनवायरमेंट में हिंदी में उपलब्ध नहीं है तो पहला पक्षी है हमारा जो कि गंभीर रूप से संकटग्रस्त है ये क्या है आपके मुख्य रूप से हमारा जो तटीय क्षेत्र है लिखते जाइए आंध्र प्रदेश का जो तटीय क्षेत्र है वहां ज्यादा ये पाया जाता है खासकर आपके आंध्र प्रदेश में पाया जाएगा आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में ये पाया जाएगा और खासकर ये आपके पहले बिल्कुल विलुप्त हो गया था परंतु उन्नीस में इसे वापस डिस्कवर किया गया और इसका जो मेन एरिया है कि ऐसा जो जंगल जो कि बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हो जिसमें मानव हस्तक्षेप नहीं हो वहां पर यह अपने आवाज बनाते हैं और खासकर आपके एक स्थानिक स्पीशीज है एक विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज है एंडेमिक स्पीशीज है ये आंध्र प्रदेश की तो लिख लीजिए आंध्र प्रदेश की एंडेमिक स्पीशीज है ये तो जो जो हाईलाइटेड वर्ड है उन्हें आप लिखिएगा आंध्र प्रदेश की एंडेमिक स्पीशीज है ये ये क्या है क्रिटिकल सारी की सारी आज जितने भी वन्य जीव पढ़ेंगे हम सभी के सब आपके अति संकटग्रस्त होंगे और आंध्र प्रदेश की ये एंडेमिक स्पीशीज है एंडेमिक स्पीशीज यानी कि विशेष क्षेत्रीय प्रजाति इनकी संख्या क्यों कम हो रही है उसका रीजन क्या है आपका यहां पर इनको क्या चाहिए ऐसे जंगल चाहिए जहां पर मानव हस्तक्षेप ना हो बिल्कुल क्लोज हो अनडिस्ट्रीब्यूटेड स्क्रब जंगल चाहिए झाड़ियों वाले जंगल चाहिए फोटो देख सकते हो खासकर ये ऐसे क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं जहां पर आपके कोई भी हस्तक्षेप ना हो बिल्कुल साइलेंट एरिया हो परंतु यहाँ पर हमारे जो जंगल हैं वो साफ़ किए जा रहे हैं हमारे जंगल साफ किए जा रहे हैं आपके बड़े बड़े जो घास के मैदान हैं प्राश्चर लैंड जो होते थे जो जानवरों को चढ़ने के लिए काम में आते थे वो नष्ट किए जा रहे हैं और बहुत सारी कंस्ट्रक्शन साइट है जैसे कि तेलुगु और गंगा की जो कैनाल है उसकी वजह से इनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है इसीलिए आपके जार्डन काउजर क्या है कम होते हुए जा रहे हैं तो कहां पर है आपके इतना जरूर ध्यान रखेंगे आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश के अंदर ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं तो इस चीज को ध्यान रखिएगा और अगला इस पर क्वेश्चन आपके आया हुआ है अगली हमारी पक्षी है जो कि संकटग्रस्त है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है वो है आपके जंगली उल्लू फॉरेस्ट आउलेट क्या है जंगली उल्लू फॉरेस्ट आउटलेट ये क्या है आपके बहुत पुरानी इतिहास के अंदर आपके काफ़ी ऐसी कहानियां हैं कि ये जो जंगली उल्लू हैं 100 साल से भी ज़्यादा जीवित रह सकते हैं 113 साल तक रहे हुए हैं और खासकर एक बर्ड सेंचुरी है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं खासकर जो सलीम अली सलीम अली बर्ड सेंचुरी का नाम आपने सुना होगा वहां पर ये पाए जाते हैं एक बहुत ही हमारे बर्ड के लिए विशेषज्ञ हुए हैं खासकर आपके ऑरिंथोलॉजिस्ट कहा जाता है उनको एक बहुत ही महान आपके सलीम अली नाम के ऑरिंथोलॉजिस्ट हुए थे उन्होंने इस पक्षी के बारे में काफी रिसर्च की और यह आपके शुष्क पर्णपाती वनों में रहते हैं कहाँ पर रहते हैं आपके शुष्क पर्णपाती वनों के अंदर ये रहते हैं ड्राई डेस्यूडेस फॉरेस्ट ये आपके ध्यान रखिएगा शुष्क पर्णपाती वनों में रहेंगे अब शुष्क पर्णपाती वन आपको मिलेंगे कहां पर सिंपल सी बात है शुष्क पर्णपाती वन आपको मिल जाएंगे यहां पर हमारे शुष्क पर्णपाती जो वन है वो हमें मिलेंगे वन मिनट शुष्क पर्णपाती वन मिलते हैं आपके मध्य प्रदेश में नॉर्थ वेस्ट महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के मध्य भाग में क्योंकि वहां पर ही आपके नॉर्थ वेस्ट एरिया वहां पर आपके जलवायु थोड़ी विषम है शुष्क है तो ऐसे एरिया में हमें ये फॉरेस्ट आउल जंगली उल्लू मिला करते हैं और फिर उसके बाद में इनकी संख्या कम क्यों हो रही है उसके पीछे मेन रीजन है आपके जंगलों को जलाने की वजह से क्या है लॉगिंग ऑपरेशन होते हैं पेड़ पेड़ों को काट दिया जाता है और उनसे जो लकड़ियां होती है उनको ढोकर कहीं दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो काफी सारे पेड़ काटे जा रहे हैं बर्निंग की जा रही है ट्रीज के आपके काफी बर्निंग हो रही है आपके पेड़ों को काटा जा रहा है और साथ साथ आपके जो इनके घोंसले हैं वो भी इसी के साथ साथ नष्ट हो जाते हैं क्योंकि तो उल्लू आपके पेड़ों पर ही घोंसले बनाकर रहता है इस वजह से ये सारी चीजें हो रही है देखिए जिसके बफरिंग हो रही है एक बार रिफ्रेश कर लो पहले शुरुआत में सेशन में जरूर प्रॉब्लम हुई थी बट आई थिंक अब सेशन में कोई इशू नहीं है तो आप बिल्कुल इसे रिफ्रेश कर लीजिए एक बार और साथ साथ में नोट्स बनाते चलें चलें लिखते हुए चले। तो ध्यान रखें कि क्या क्या चीजें लिखनी है आपके जंगली उल्लू अति संकटग्रस्त है शुष्क पर्णपाती वनों में मिलता है कहाँ मिलेगा आपके महाराष्ट्र में मध्य महाराष्ट्र में मिलेगा उत्तर पश्चिमी महाराष्ट्र में मिलेगा और आपके दक्षिणी मध्य प्रदेश में मिलेगा क्यों उनकी संख्या कम होती जा रही है क्योंकि पेड़ काटे जा रहे हैं व्यापार के लिए यूज किए जा रहे हैं और आपके घोंसले जो होते हैं इनके जल जाते हैं या फिर आपके घोंसले नष्ट हो जाते हैं इसी माध्यम से आपके ये चीजें हैं तो ये है जंगली उल्लू तीसरा हमारा पक्षी है जिस पर पहले क्वेश्चन आया हुआ है प्रम्स में क्वेश्चन आया है आपके व्हाइट बिल्ड हेरोन पर इस पर ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है प्रम्स में वाइट बिल्ड हेरोन बाइड बिल्ड हेरोन बहुत ही विषम प्रकार की प्रजाति है और ये मिलती है पूर्वोत्तर राज्यों में जैसे कि असम में आपके आंध्र प्रदेश में तो इसकी मुख्य रूप से पाँच से छः ऐसे स्थल हैं जहाँ पर यह मिलती है असम में मिलेगी अरुणाचल प्रदेश में मिलेगी और आपके भूटान एवं कुछ क्षेत्रों में म्यांमार में भी ये मिलेगी तो पूर्वोत्तर से लेकर आपके भूटान म्यांमार तक ये मिलेगी आपके इसका जो हैबिटेट होता है इसका जो आवास स्थल होता है वो रिवर्स के पास होगा कहा होगा जहां जहां पर आपके नदियां होंगी झीलें होंगी उसके पास ये रहेंगे और आपके ये जो वाइट बिल्ड हैरॉन है वह है आपके डिस्ट्रीब्यूशन भूटान से लेकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया बांग्लादेश और म्यांमार तक होगा इनकी संख्या क्यों कम होती जा रही है क्योंकि तो ये जो आर्द्र भूमिया हैं, और आपके जो फॉरेस्ट हैं जो लो लैंड फॉरेस्ट हैं उनकी संख्या कम हो रही है पानी के रिसोर्सेज आपके कम होते हुए जा रहे हैं इसी वजह से आपके वाइट बे वैलिड हेरॉन जो होता है एक सफेद पेट पेट वाला जो हैरॉन पक्षी है वो आपके नष्ट होता जा रहा है क्योंकि आर्द्र भूमि नष्ट होंगी तो ऑब्वियसली इनका जो आवास है वो नष्ट होता जा रहा है इसी वजह से आपके वाइट वैलिड हेरॉन आपके नष्ट होती हुई हमें दिखाई दे रही है क्या अभी भी आपके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या देखिए अभी भी रिफ्रेश कर लो आपके बार बार रोटेट कर रहा है क्या सिस्टम एक बार आप हमें बता सकते हैं तो देखिए अब इस पर भी आपके क्वेश्चन आए हुए हैं वल्चर्स पर गिद्धों की जो प्रकृति है उसमें अलग अलग प्रकार के गिद्ध पाए जाते हैं इस पर तीन बार क्वेश्चन आए हुए हैं प्रिलिम्स में वाइट बैग्ड वल्चर जिसकी आपके ये पीठ होगी सफेद होगी ऐसे वल्चर ऐसे गिद्ध स्लेंडर बिल्ड गर्द वल्चर और आपके रेड हेड लाल गर्दन वाला जो वल्चर है वो रेड हेडेड वल्चर और आपके लॉन्ग बिल्ड वल्चर ये जो चारों वल्चर हैं इन चारों वर्ल्चर्स को एक साथ देख लीजिए ये जो चारों वल्चर हैं ये आपके मेनली जंगलों के अंदर रहते हैं और खासकर संपूर्ण भारत में ये देखे जाएंगे संपूर्ण भारत के अंदर ये वर्चर्स ये गिद्ध आपके देखे जाते हैं और ये संपूर्ण भारत में ये चारो वल्चर कौन कौन से व्हाइट बैक्ड वल्चर स्लेंडर बिल्ड वल्चर रेड हेडेड वल्चर ये और लॉन्ग बिल्ड वल्चर ये जो चारों वल्चर्स हैं उनकी संख्या कम होने का मेन रीजन है डाइक्लोफिनेट आपके मवेशियों को इस पर क्वेश्चन आया हुआ है तीन बार क्वेश्चन आ चुका है आपका इस पर आपके मवेशियों को ज्यादा दूध देने के लिए एक दवाई खिलाई जाती है एक दर्द निवारक दवा है जो कि है डाइक्लोफिनेट वो इनके शरीर में बार बार इंजेक्शन लगाए जाते हैं मवेशियों को तो उसमें जम जाती है बायो एक्लुमिनेशन हो जाता है और जैसे ही बायो एक्यूमिलेशन होता है और फिर जब इनकी लाश को आपके ये गिद्ध ये वल्चर्स खाते हैं तो फिर इनके शरीर में डाइक्लोफिनेक पहुंच जाएगी और फिर जब डाइक्लोफिनेक पहुंचेगी तो फिर वो इनके लिए बहुत घातक होती है एक विषाक्त पॉइजनस होता है उससे आपके इनकी मृत्यु बहुत तेजी से हो रही है यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था आपके कि पहले हमें जब भी कोई शव वगैरह लेकर जाते थे तो ये गिद्ध बहुत दिखाई देते थे अब नहीं दिखाई देते क्योंकि तो उसके पीछे मेन रीजन है वो पेन किलर है तो इस चीज को ध्यान रखिएगा तो ये चीज ध्यान रखिएगा ये क्लास सही में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इसीलिए हम कह रहे हैं साथ साथ में नोट्स बनाते जाओ जो जो चीजें हम बोल रहे हैं उनको लिख लो क्योंकि डायरेक्ट ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन सभी की वेबसाइट से मिलाकर बनाया गया है और हमेशा किसी बुक में से क्वेश्चन नहीं आते ऑथेंटिक वेबसाइट से ही क्वेश्चन आते हैं और जब आपके प्री में क्वेश्चन आते हैं तो आप इन वल्चर्स के नाम तक भी तुमने नहीं सुने होते क्योंकि कभी ऑथेंटिक चीज़ों से पढ़ा नहीं है मटेरियल से पढ़ते हो इधर उधर के कोचिंग्स के और उनसे कोई क्वेश्चन बनता नहीं है क्योंकि यूपीएससी जब भी क्वेश्चन बनाएगी वो अपनी वेबसाइट से बनाएगी मिनिस्ट्री ऑफ एन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट की से वो किसी मटेरियल को देख के नहीं बनाएगी तो इसीलिए इन जानवरों के नाम तुम्हें अलग अजीब लग सकते हैं सुनने में और एग्ज़ाम में यही आते हैं तो इसीलिए एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़िएगा चलिए अगला हमारा जो बर्ड है इस पर भी प्रिलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है बंगाल फ्लोरिकन बंगाल फ्लोरिकन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सा पक्षी दिखता है आपके हमारे जो फसलें कटने वाली होती हैं तब बहुत ज्यादा दिखाई देता है और ध्यान रखिएगा ये जो बंगाल फ्लोरिकन है जैसा डायग्राम में तुम देख रहे हो आपके घास भरे क्षेत्रों में ग्रासलैंड में घास स्थल में रहना ये पसंद करता है घास स्थल में और झाड़ियों में ये रहना पसंद करेगा आपके बंगाल फ्लोरिकन बंगाल फ्लोरिकन आपके घास और झाड़ियों में रहना पसंद करेगा और ये सिर्फ बंगाल में नहीं मिलेगा इसके अलावा बंगाल के आसपास ये उत्तर प्रदेश असम अरुणाचल इन जगह भी आसानी से मिल जाएगा तो ध्यान रखिएगा मिनिमम तीन चार स्टेट में मिलेगा ये उत्तर प्रदेश असम अरुणाचल यहाँ तो मिलेगा ही मिलेगा साथ साथ तीन देशों में मिलेगा पर ध्यान रखना केवल तीन देशों में ही मिलता है तीन से ज्यादा देशों में नहीं मिलता तो अगर यूपीएससी ओनली वर्ड लगाए अपने स्टेटमेंट में तो वो बिल्कुल सही होगा क्या होगा आपके कौन कौन से देश में कंबोडिया में इंडिया में और नेपाल में तीन देशों में और इंडिया के तीन राज्यों के अंदर बंगाल फ्लोरिकन आपके मिलता है तो इस चीज को ध्यान रखिएगा ये क्या है आपके बंगाल फ्लोरिकन आपके यहां पे मिलता है अब इनकी स्थिति कम क्यों हो रही है क्योंकि वही इनका आवास इनका जो घास स्थल है वो बहुत कम होते जा रहे हैं क्योंकि आपके खेती ज़्यादा की जा रही है झाड़ियाँ और घासों को कम कर दिया जा रहा है तो उससे इनके स्थल बिल्कुल नष्ट होते हुए नजर आ रहे हैं और इसी वजह से आपके बंगाल फ्लोरिकन नष्ट हो रहे हैं तो ये चीज ध्यान रखिएगा बंगाल फ्लोरिकन के नष्ट होने का मेन रीजन है आपके इनके ग्रासलैंड इनके घास के स्थलों में कमी होना और आपके बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट में खासकर बंगाल के बहुत सारे पर्यटन के स्थलों में भी इसको पहले पूजा जाता था फिर बंगाल से आपके धीरे धीरे कृषि का सुधार आए और फिर वहां पर घास स्थल कम हो गए फिर ये आपके असम अरुणाचल प्रदेश और यूपी के साइड में मूव कर गए तो ये चीज ध्यान रखिएगा और तीन देशों में और इंडिया के तीन राज्यों में ही ये पाए जाते हैं अति संकटग्रस्त की श्रेणी में आते हैं अगला हमारा पक्षी है हिमालयन क्वेल इस पर भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है क्योंकि तो देखो सारे तुम्हें वर्ड ऐसे लगेंगे कि कभी ना कभी क्वेश्चन आए हैं क्योंकि तो यहां पर आपके सीधे मिनिस्ट्री के डॉक्यूमेंट से क्वेश्चन आते हैं तो इसीलिए एग्जैक्ट आपको हर साल हो सकता है हिमालयन क्यूएल नहीं पूछी बंगाल फ्लोरिकन पूछ लिया बंगाल फ्लोरिकन नहीं पूछा वल्चर पूछ लिया पर जो तीन से चार क्वेश्चन तुम्हारे बनेंगे वो इसी क्लास के इसी डॉक्यूमेंट्स में से बनेंगे इससे बाहर जा ही नहीं सकते आज तक तो पिछले दस साल में नहीं गए खासकर दो के बाद तो इसमें से एग्जैक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं तो देखिए हिमालयन क्वेल हिमालयन क्वेल जैसा कि इसका नाम है ये आपके पश्चिमी हिमालय पर मिलेगी कहां मिलेगी पश्चिमी हिमालय में आपके देखने को मिलेगी और ये भी घास में ही रहती है परंतु ये बड़ी घास जो होती है आपके टॉल ग्रास उसके अंतर्गत ये रहती है तो बड़ी घास में इसका निवास स्थान होगा और ध्यान रखिएगा आपके नैनीताल 2003 के अंदर इसकी साइट सीन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था और उसके बाद में आप देख सकते हो इसके जो हैबिटेट्स हैं आपके जो बड़ी बड़ी घासें हैं उनमें कुछ परिवर्तन हुए और ख़ासकर जब ब्रिटिश एरा आया आपका नैनीताल में आपके उत्तराखंड में आपके मसूरी में तो वहाँ पर रेलवे वगैरह का निर्माण किया गया और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस हिमालयन क्यूल का शिकार भी किया तो ब्रिटिशर्स की वजह से इनकी संख्या कम होती हुई चली गई क्योंकि तो रेलवे में इनके जो घर थे बड़ी बड़ी घासें उनको साफ़ कर दिया गया आपके शिकार के लिए बहुत ज़्यादा मारा गया इनको हिमालयन क्वेल को तो इस वजह से आपके हिमालयन क्वेल नष्ट हो गई तो ये भी आपके अति संकटग्रस्त है पश्चिमी हिमालय में मिलती है नैनीताल उत्तराखंड ऐसी जगह पर आपके मिलेगी और आपके बड़ी घासों में और झाड़ियों में पहाड़ी क्षेत्रों में यह अपना निवास करती है तो इस चीज से ध्यान रखिएगा पहले एक क्वेश्चन आ चुका है हिमालयन क्वेल पर अब देखिए एक क्वेश्चन आपका पिंक हेडेड पिंक हेडेड डक पर भी आया था एक ऐसी बतक जिसका क्या है गुलाबी सरवाली बतक तो गुलाबी सरवाली जो बतक है आपके पिंक हेडेड डक ये आपके कहा मिलती है ये आपके म्यांमार बांग्लादेश और इंडिया तीन जगह मिलेगी कहां मिलेगी बी एम आई बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स जो होता है वहाँ मिलेगी ये बीएमआई बांग्लादेश म्यांमार और इंडिया तीन जगह ये आपके मिलती है अब इंडिया में ऑब्वियसली बांग्लादेश और म्यांमार की बात है तो डेफिनेटली हमारे कहाँ मिलेगी उत्तर पूर्व में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपके देखी जाती है और कहाँ रहती है ये बता क्या है तो सिंपल सी बात है पानी में ही तैरेगी तो कहां पर रहेगी आपके ऐसा पानी जो रुका हुआ होता है जो आर्द्र भूमियां होती हैं जो मार्शलैंड होते हैं वहां पर रहती है जहां पर आर्द्र भूमि होगी वहां बड़ी बड़ी घासें भी उग जाएंगी तो इसीलिए है ना तो इसीलिए ध्यान रखिएगा ये जो आपके पिंक हेडेड डक है वो आपके आर्द्र भूमि में रुके हुए पानी में आपको मिलती है और खासकर बड़ी बड़ी घासें यहां पर आपके देखी जाती हैं तो यहां पर आप इसे देख सकते हैं और खासकर यहां पर ये यह कम क्यों हो रही है क्योंकि आर्द्र भूमियों का डिग्रेडेशन हो रहा है शरण हो रहा है आपके और दूसरा शिकार भी इनका किया जा रहा है तो दो रीजन है जिस वजह से आपके ये गुलाबी गर्दन वाली बतख नष्ट हो रही है दो रीजन कौन कौन से हैं एक तो आपके शिकार कम होता हुआ जा रहा है दूसरा आपके हैबिटेट लॉस हो रहा है यानी कि आर्द्र भूमियों में कमी हो रही है मिलती कहां पर है बांग्लादेश इंडिया और म्यांमार तीन जगह आपके मिलती है तो इस चीज को ध्यान रखिएगा है ना तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिएगा नोट कर लीजिए कहां कहा मिलेगी बी बांग्लादेश म्यांमार और इंडिया में और नष्ट क्यों हो रही है क्योंकि बताख है स्वयंपी लैंड मार्श लैंड आर्द भूमियों में आपके रहती है और आपके बड़ी घास वगैरह जो होंगी अब आपके आर्द्र भूमि जैसे जैसे नष्ट होंगी वैसे वैसे ये भी नष्ट होती हुई जा रही है अगला आपका पक्षी है जो कि अति संकटग्रस्त है सोशिएबल लॉविंग जो आपके सोशियबल लॉविंग है देखो इसकी फोटो से ही देख सकते हो यह आपके डेजर्ट में रहता है जहां पर मरुस्थल होते हैं जहां पर बहुत ही शुष्क प्रदेश होते हैं वहां पर यह रहता है डेजर्ट में यह रहता है कहां पर आपके निवास स्थान क्या है इसका डेजर्ट अब डेजर्ट कहाँ मिलेगा और ध्यान रखिएगा ये बहुत ही सोशबल है सोसाइटी की चिंता करता है समाज सेवक टाइप का आदमी है तो बहुत जगह घूमेगा फिरेगा तो केवल एक दो देश से इसका काम नहीं चलेगा क्योंकि आपके नाम ही इसका सोशबल लॉबिंग लौ, है तो समाज सेवा तो करेगा ही और जो समाज सेवी आदमी होता है जो भी सोशल दोस्त होगा तुम्हारा वो बहुत घूमेगा फिरेगा तो सिंपल सी बात है कहाँ कहाँ मिलेगा आपके कजाकिस्तान रूस किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान आर्मेनिया जॉर्जिया अजेरबाइजान इराक, ईरान सऊदी अरब सीरिया टर्की इजिप्ट इंडिया पाकिस्तान और ओमान पूरा का पूरा आपका जो गोभी डेजर्ट है पूरा का पूरा जो आपका गोभी मरुस्थल है टकला मकान मरु... वो आपका मरुस्थल है वहां पर सब जगह आपके ये मिलेगा तो सारे जितने भी आपके सेंट्रल एशिया के देश हैं ऑलमोस्ट सब कवर कर लिए इसने कोई नहीं छोड़ा छोड़ा इसीलिए तो इसे सोशिएबल कहते हैं सामाजिक कहते हैं क्योंकि बहुत घूमता फिरता रहता है ये तो इसी चीज को ध्यान रखिएगा हाँ बिल्कुल ये सभी आज जितने भी स्पीशीज हम आपको करवा रहे हैं सबके सब क्रिटिकल एंडेंजर्ड हैं सभी आपके क्या हैं सभी के सभी आपके अति संकट ग्रस्त श्रेणी में है आज हम सिर्फ इंडिया के क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीशीज को ही आपको बता रहे हैं तो सारे ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं तो ये चीज ध्यान रखिएगा सारे आपके क्रिटिकल इंडेंजर्ड ही करवाए जा रहे हैं अब देखिए यहां पर ये मर रहे हैं क्योंकि आपके अवैध शिकार किया जा रहा है इनका खासकर आपके जो इनके रहने के इलाके हैं वहां पर आपके मानव आवास बना के रहने लग गया है और दूसरा आपके जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं जहां पर ये रहते थे वहां पर आपके सिंचाई वगैरह करके खेतियाँ भी करने लग गए हैं इसीलिए आप इस तरीके से ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं तो ये क्या है आपका सोशिएबल लग फिर आपके एक क्वेश्चन आया हुआ था स्पून बिल्ड सैंड पाइपर नाम ही बता रहा है आपका चम्मच जैसी चोंच है इसकी स्पून बिल्ड सैंड पाइपर क्या है स्पून बिल्ड सैंड आपके कहाँ मिलेगा आपके ये मिलेगा हमारे साउथ अंदर वेस्ट वेस्ट बंगाल बंगाल और तमिलनाडु में ये पाया जाता है उड़ीस हाँ, उड़ीसा केरला तमिलनाडु यहां मिलेगा यानी कि जो पूर्वी घाट का जो एरिया है पश्चिमी बंगाल से लेकर उड़ीसा तमिलनाडु केरला तक आपको मिलेगा क्योंकि यह वहां पर आपके एक सैंड पाई जाती है इधर के एरिया में उसको ये आपके उससे कुछ चीजें और कीड़े मकोड़ों को ये खाता रहता है तो इस तरीके से आपके ये मिलता है तो ध्यान रखिएगा आपके वेस्ट बंगाल उड़ीसा के केरला और तमिलनाडु में मिलेगा कहाँ पर मिलता है अब ये एरिया आपको पता है कैसा है पूर्वी घाट है तो तटीय क्षेत्र ही इसका रहने की जगह है आवासीय जहां पर ये मिट्टी को आराम से अपनी चोच से आपके निकाल सके जो कि चम्मच नुमा इसकी चोच है अब तुम राजस्थान की हार्ड मिट्टी के अंदर इसको छोड़ दोगे तो बेचारे चौंक से कुछ किया तो चोच वो टूट जाएगी इसकी इसलिए इसको तो तमिलनाडु के कोस्टियल एरिया में ही रहना होता है और यहां पर भी इनके आवास तटीय क्षेत्र के अंदर काफी सारे आपके ह्यूमन डिस्टर्बेंसेज हो रहे हैं पर्यटन को बढ़ाया जा रहा है आपके बिल्डिंग्स वगैरह बन रही हैं उन वजह से आपके ये समस्याएं क्रिएट हो रही हैं तो ये चीज ध्यान रखिएगा इसीलिए आपके स्पून बिल्ड सैंड सभी ने सुना होगा साइबेरियन सारस ये भी आपके क्रिटिकली इंडेंजर्ड है जिसे आप राजहंस के नाम से भी जानते होंगे और ये जो साइबेरियन क्रेन कहां है कहाँ आते हैं हमारे हमारे ये आपके आ जाते हैं आपके जो हम हमारा भरतपुर का केवला देव घना पक्षी विहार है जो कि एक आर्द्र भूमि है रामसर साइट भी है आपके और मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में भी आता है वहां पर ये साइबेरियन क्रेन प्रवासी पक्षी हैं आते हैं और आपके कैसे हैं वेटलैंड है आता कहाँ पर है सिर्फ राजस्थान के केवला देव पनी पक्षी आपका जो केवला देव घना पक्षी विहार है उसमें आता है इनकी संख्या कम होती जा रही है कम आ रहे हैं आपके साइबेरियन क्रेन उसके पीछे मेन रीजन क्या है पॉल्यूशन आपके कीटनाशकों से जो प्रदूषण हो रहा है आपके आर्द्र भूमियों का जो पतन हो रहा है इस वजह से ये काम आ रहे हैं तो जितना ज़्यादा पॉल्यूशन फैलेगा जितनी ज़्यादा कीटनाशकों की समस्या होगी उतनी ज़्यादा ये चीज़ें आपके प्रॉब्लम करने लग जाएंगी तो इस वजह से आपके साइबेरियन क्रेन कम होते जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा पेस्टिसाइड क्योंकि क्या है भरतपुर में कुछ इंडस्ट्रीज हैं जहां से आपके सिमको कंपनी वगैरह खुली थी सिमको की वजह से आपके जहां वैगन बनाए जाते थे वहां पर भी इनका पतन हुआ तो सिमको को भी बंद करना पड़ा तो इस वजह से आपके साइबेरियन ट्रेन कम हो रहे हैं अब थोड़े से स्तनपाई जीवो की बात करते हैं फिलिम्स में ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है पिज्मी होक पर पिजली पिज्मी होक क्या है आपके विश्व के सबसे छोटे सुअर है सबसे छोटे साइज के आपके सुअर हैं आपके पिज्मी होग। इस पर आया हुआ था, विश्व के सबसे छोटे साइज के आपके सुअर क्या है आपके पिज्मी होग और इसका वजन सिर्फ आठ किलोग्राम का होता है और ये मेनली आपके घास स्थल में रहने की कोशिश करता है खासकर घास स्थल में रहेगा और ये आस आज, आसपास आपके दलदली भूमि में ही निवास करने की कोशिश करता है दलदली भूमि में ही ये आपके निवास करता है इसीलिए आपके जब जहां पर आपके पिजमी होग मिलते हैं वहीं पर हमें कुछ अन्य संकटग्रस्त प्राणी भी मिलते हैं जैसे कि आपका भारतीय गेंडा इंडियन राइनोसोरस स्वयं डियर आपका स्वयं डियर मिलेगा जंगली भैंस आपको वहां पर मिल जाएगी और ऐसे ही आपका हिस्पिड बंगाल फ्लोरिकन वगैरह भी आपके यहाँ पर इस एरिया में मिल जाएंगे तो इसीलिए ये जो है आपके इतने सारे जैव विविधता वाले क्षेत्रों में रहता है और अभी अभी आपने बंगाल फ्लोरिकन पढ़ा कहाँ मिलता था बंगाल फ्लोरिकन यूपी असम और अरुणाचल प्रदेश तो ये भी आपके अरुणाचल प्रदेश में मिलने लग जाएगा पिजमी होगा और इसी पर एक जीव निवास करता है पिज्मी होग पर ही तो आपके पूर्वोत्तर राज्यों में ये पिज्मी होग मिलता है खासकर मणिपुर का जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है आपके लाम लामजाओं का वहाँ पर भी ये मिलता है और इसके शरीर पर एक विशेष प्रकार की मच्छी मक्ष, मक्खी जो होती है एक कीड़ा जो होता है वो निवास करता है जिसका नाम है पिज्मी होग सकिंग लाउज और ये बिल्कुल विलुप्त हो गई है आपके ये क्या है एक परजीवी की तरह रहती है इस पर फिलिम्स में क्वेश्चन आया था पिज्मी होग सकिंग लाउस पर या ये भी आपके अति संकट ग्रस्त है और अब यह बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है और यह इस पर परजीवी की तरह रहा करती थी और मेनली ये क्या है आपके तराई ग्रासलैंड में रहता है जहां पर दलदली भूमि होती है फ्लोटिंग नेशनल पार्क चीजें होती हैं वह वो, वो आपके रहता है पिज्मी होग सिर्फ आठ किलोग्राम का होता है आपका छोटा सा ही होता है तो कहां रहेंगे ये आपके दक्षिणी हिमालय के गिरिपाद में रहेंगे फुट हिल्स ऑफ सदर्न हिमालय वहां पर ये रहेंगे और खासकर असम की जो मानस वन्य जीव अभ्यारण है मानस लाइफ सेंचुरी है वहां पर इनको बफर रिजर्व में रखा गया है ताकि ये नष्ट ना हो तो क्योंकि धीरे धीरे बहुत तेजी से ये नष्ट होते जा रहे हैं और इनके नष्ट होने का मेन रीजन है आपके जंगलों का जलना और आपके जो ड्राई सीजन है बरसात वगैरह कम होना दलदली वगैरह भूमि आपके चेंज तो जलवायु परिवर्तन की वजह से इनके वनीकरण और जलवायु परिवर्तन की वजह से ग्रासलैंड बहुत कम होते जा रहे हैं ड्राई सीजन बढ़ता जा रहा है इसलिए आपके ये फिजमी हो कम होते जा रहे हैं तो ये सारी सबसे बड़ी समस्या है आपके फिज्मी होग की अब देखिए आपके तीन अलग अलग प्रकार के चूहों के टाइप हैं जो पूछे जा सकते हैं एक तो है अंडमान इस पर क्वेश्चन आया हुआ है अंडमान का वाइट टूथेड श्रू बाकी इन दोनों पे क्वेश्चन नहीं आए एक अंडमान है नाम से पता चल रहा होगा अंडमान निकोबार में मिलेगा दूसरा है जैनकिस अंडमान स्पाइस श्रू और तीसरा है निकोबार का वाइट टेल्ड श्रू एक ऐसा चूहा जिसकी पूछ आपके सफेद होती है तो ये आपके अंडमान निकोबार के एरिया में मिलने वाले हैं अंडमान निकोबार में मिलने वाले चूहों की प्रजाति हैं मेनली ये आपके जो चट्टाने होती हैं चट्टानों के अंदर कभी कभार क्या है पत्ते पेड़ पौधे उग जाते हैं तो उसके अंतर्गत ये है रहते हैं मेनली ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर आपके चट्टानों की दरारें हों तो चट्टानों की दरारों के अंदर आप इन्हें देख पाओगे तो इस तरीके से आप इसे देख सकते हो चट्टानों की दरारों में मिलेंगे मेनली कहाँ मिलेंगे आपके अंडमान निकोबार के अंदर आपने एक माउंटेन का नाम जरूर सुना होगा अंडमान निकोबार में माउंट हैरियट तो वहां पर आपके सदर्ण जो दक्षिणी अंडमान है उसके माउंट हैरियट में मिल जाएंगे आपके ऐसे ही आपके मेनली जो आइलैंड्स हैं आपके दक्षिणी अंडमान के वहां पर ये मिलेंगे निकोबार आपके निकोबार में मिल जाएगा अब इनकी कमी क्यों हो रही है उसके पीछे मेन है नेचुरल डिजास्टर्स जैसे सुनामी आ गई जलवायु परिवर्तन हो गए उस वजह से ये काफी तेजी से नष्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं इतनी तेजी से नष्ट होने का मेन रीजन क्या है इनके चीज आपके खासकर एक रिवर है जो अंडमान में बहती है नाम है गैलेथिया रिवर गैलेथिया रिवर जो है उसमें काफी ज्यादा जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं कोर्स चेंजेस हो रहे हैं तो इस तरीके से ये सारी चीजें आपके हो रही हैं कोंडाना रेट पर क्वेश्चन आने के चांसेस कम हैं पर फिर भी देख लीजिए अगर अब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने लिखा है तो हमें पढ़ना होगा कोंडाना रेट है वो आपके कहा मिलता है उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में और झाड़ियों में उष्ण कटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में और झाड़ियों के अंदर आपके कोंडाना रेट मिलता है तो हमारे यहां पर कहा मिलेगा ये आपके महाराष्ट्र में पुणे महाराष्ट्र सिंह का जो प्लेट्यू है वहां पर ये आपके मिलता है इन ये क्यों अति संकटग्रस्त है रीज़न है आपका इनका जो वेजिटेशन है उस पर चराई ज़्यादा की जा रही है ओवर ग्रेजिंग हो रही है वेजिटेशन की इस वजह से ये आपके है ना इस वजह से ये सारी चीजें आपकी कम हो रही है और खासकर पर्यटन की वजह से भी आपके मानव जनित समस्या यहां पर उत्पन्न हो रही है उस वजह से ये चेंजेस आपके देखे जा रहे हैं तो इज दैट क्लियर ये चीज ध्यान रखिएगा और देखिए जो आपके लार्ज रॉक रेट है जिसे कहा जाता है एलबीरा रेट देखिए रेट पर क्वेश्चन वैसे कम आते हैं अभी तक खासकर वल्चर्स पर मेमल्स पर और फिश पर इन पर तीन पर ज्यादा क्वेश्चन आए हैं और देखिए सुखवीर ये बिल्कुल आपके संकट में है अब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट की वेबसाइट कह रही है ये अति संकटग्रस्त है तो है अब एमओ ने कहा है तो मानना पड़ेगा जुलजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी इनके बारे में यही बात कह रहा है तो ये भी जो आपके जो ये चूहे हैं लार्ज रॉक राइट ये भी जैसे नाम है लॉक रॉक तो आपके चट्टानों के अंदर रहेंगे कहां पर ट्रॉपिकल ड्राई डेसुडेस फॉरेस्ट में यानी कि ऐसी झाड़ियों में जो कि आपके उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्ण पाती हो तो वहां पर ये मिलेंगे खासकर आपके जो पूर्वी घाट है तमिलनाडु का जो कि रेन शेडो एरिया के अंदर आता है जहां बरसात नहीं हो पाती कम बरसात होती है रेनशेडो एरिया में वहां ये चूहे आपको मिलेंगे खासकर इनके भी आवास कम होते जा रहे हैं और लकड़ी वगैरह के लिए इनका निर्वनीकरण किया जा रहा है इनके जंगलों का इसलिए ये कम होते जा रहे हैं नाम दफा फ्लाइंग स्कूलर इस पर आपके क्वेश्चन आया हुआ है में तो ध्यान रखिएगा ये क्या है आपके नाम दफा फ्लाइंग स्कूरल पर आपके ऑलरेडी क्वेश्चन अवेलेबल है प्रीलिम्स में अब वो क्यों आया है आपके क्वेश्चन उस चीज को ध्यान रखिएगा नाम दफा सभी को पता है नाम दफा कहाँ पर है नाम दफा नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व भी है जिस पर लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया था और ये एक ऐसा नेशनल पार्क है जहां पर आपके उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय दोनों प्रकार की जलवायु मिल जाएगी और ये है आपके अरुणाचल प्रदेश में लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है तो आपके उष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्र के अंदर ये नाम दफा फ्लाइंग स्कूर रहेंगे ये एक प्रकार की ग्लहरी है जो आपके एक यूनिक तरीके रती है मतलब उछलती रहती है आपके एक तरीके से उड़न गिलहरी का टाइप आप इसे बता सकते हो तो ये आपके क्या है फ्लाइंग स्कुरल्स है जो आपके एक घाटी है नाम दफा टाइगर रिजर्व में वहां पाई जाती है तो आपके सिर्फ और सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में ही ये मिलती है और खाने के लिए कई क्या है जनजातियां इनको खाने के लिए शिकार करती है इनका सेवन करती इनको खाने में खा लेती है इन गिलहरियों को इसीलिए आपकी इनकी संख्या बहुत तेजी से कम होती जा रही है इस ये क्वेश्चन आपके पहले ऑलरेडी पूछा गया था नाम दफा फ्लाइंग स्कूल की पर बात आ चुकी है और यूपीएससी ने लोग आदिवासियों के खाने का वर्ड यूज नहीं किया था यूपीएससी ने कहा था कि उनके आवास का हैबिटेशन लॉक हो रहा है तो वो स्टेटमेंट गलत था तो ये चीज ध्यान रखिएगा कुछ आदिवासी समूह जैसे कि कुछ ट्राइब्स हैं आपके आपतानी ट्राइब है निशी ट्राइब है वो सब क्या है इसको खाने के लिए यूज करते हैं जब ऑकेजन होते हैं तो आपके खाने के लिए इनका शिकार किया जाता है तो ये चीज ध्यान रखिएगा अगली आपकी एक अजीब सी बिल्ली है जिसका नाम है मालाबार सीबेट ना मालाबार समझ में आ गया होगा कहां पर होगी मालाबार कहाँ होगी आपके पश्चिमी घाट में नाम ही जब इसका मालाबार सीबेट है तो सिंपल सी बात है ये आपके पश्चिमी घाट में ही रहेगी और इस तरीके की अजीब सी डायग्राम मतलब अजीब सा इसका इस स्ट्रक्चर होता है बहुत ही ज्यादा रात को भी काफी चमकती हुई ये दिखाई देती है और पूरे विश्व के सबसे ज्यादा दुर्लभ जानवरों के अंदर ही गिनी जाती है वर्ल्ड के रेयरेस्ट एनिमल्स में गिनी जाएगी और हमें कहाँ मिलेगी पश्चिमी घाट में भी केरला ट्रेवन कोर केरला के अंदर ये पाई जाती है तो पश्चिमी घाट में तो मिलेगी ही केरला में मिलेगी अब देखो हैबिटेट कैसा होगा इसका आवाज कैसा होगा हिल स्लोप्स पर रहेगी घाटियों पर ये रहेगी और आपके और आपके जो वनों से आच्छादित जो प्लेन होंगे वहां पर ये रहेगी मेन ये क्यों कम होती जा रही है उसका मेन रीजन है व्यापारिक कृषि जो कमर्शियल प्लांटेशन की वजह से इनके वनों को काटा जा रहा है और जैसे जैसे कमर्शियल प्लांटेशन हो रहा है उसकी वजह से इनकी चीजें कम हो रही है तो यह चीज ध्यान रखिएगा कमर्शियल प्लांटेशन की वजह से आपके जो व्यापारिक खेती की जाती है पश्चिमी घाट पर उस वजह से मालाबार सी सीवरेट कम हो रही है और यह भी अति संकटग्रस्त है फिर आपके गैंडों की बात कर लेते हैं उनमें दो प्रकार के गेंडे आते हैं और इस पर पहले प्रश्न पूछे गए हैं ऑलरेडी एक तो होता है जावान राह राइनोसोरस रा, राए, और एक होता है सुमात्रन सोरस इन दोनों में अलग अलग अंतर होते हैं देख सकते हो तुम आपके जावन राइनो जो होता है ये आपके सुमात्रन वाले आपके दो सींग होते हैं इनके डबल सींग वाले हो सकते हैं जबकि आपके जो जावा वाला होता है सिंगल सींग का ही आपके होता है तो देखो सुमात्रन राहनो जो है आपके वो आपके एक तो स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज है टोटल पांच प्रकार के आपके गैंडे पाए जाते हैं पूरे विश्व में उनमें से जो सुमात्रोसोरस है सुमात्रा में पाया जाने वाला सुमात्रन राइनोसोरस वो सबसे छोटा होता है सबसे छोटे स्पीशीज का टाइप है और साथ साथ ये आपके पहले इंडिया में पाया जाता था पर अब ये इंडिया से नष्ट हो चुका है इंडिया से बिल्कुल विलुप्त हो चुका है और आयु की लिस्ट में ये अभी क्रिटिकली एंडेंजर्ड में है बट इंडिया के अंदर ये अभी पाया नहीं जाता क्योंकि इंडिया से ये बिल्कुल विलुप्त हो चुका है और पहले ये कहाँ मिलता था आपके हिमालय के गिरिपाद में मुख्यतः नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर सुमात्र राहनो सोरस आपके मिला करते थे और जो दूसरे राहनो सोरस दूसरे गेंडे जो है जो जावा के जावन सो सोरस वह भी इंडिया से बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं पर ऐसा कहा जाता है कि केवल कुछ मात्रा में ये बचे हुए हैं जावा में और वियतनाम में तो ये दोनों ही क्रिटिकल एंडेंजर्ड हैं तो इसे ध्यान रखिएगा तो इसे ध्यान रखिएगा तो जावन और सुमात्रन तो ये भी आपका क्रिटिकली एंडेंजर्ड है अब थोड़े से मगरमच्छों की बात कर लेते हैं रेप्टाइल्स पर घड़ियाल पर क्वेश्चन आते रहते हैं अब देखिए बेसिक चीजें तो मैंने आपको क्लास में भी बताई होंगी जैसे कि घड़ियाल पर पहले क्वेश्चन आया हुआ है कहा मिलेगा आपके चंबल नदी में चंबल नदी में आपके घड़ियाल मिलते हैं वैसे ही आपके सैलाइन क्रोकोडाइल कहाँ मिलते हैं आपके भीतरकर्णिका में मिलते हैं व्हाइट क्रोकोडाइल भी आपके कहा मिलते हैं सफेद आपके जो मगरमच्छ है वो भी आपके कहा मिलते हैं गहिर माता भीतरकर्णिका वहां पर आपके मिलते हैं तो घड़ियाल क्या है घड़ियाल भी आपका अति संकटग्रस्त है क्रिटिकली एंड है और ये ऐसे क्षेत्रों में मिलता है जहां पर आपके हमारी राष्ट्रीय जलीय जीव जो है आपके प्लेटेनिस्टा गेंगेटिका हमारी जो गंगा नदी की जो डॉल्फिन है जो ताजे पानी में रहती है उसके आसपास के एरिया में भी ये देखा जाता है घडियाल तो इसका काम क्या है कहाँ रहता है पहली बात तो ध्यान रखना घड़ियाल आपके सदैव स्वच्छ नदी में रहेगा क्लीन रिवर होनी चाहिए और आपके साफ नदी के पास के जो तट के क्षेत्र होंगे जहां वहां पर आपके रहना ज्यादा पसंद करते हैं तो इस चीज को ध्यान रखिएगा घड़ियाल और घड़ियाल आपके क्रिटिकली इंडियन है इंडिया में कहां, -कहां पाया जाता है इस पर पहले भी कई बार क्वेश्चन आए हैं तीन राज्यों में मिलता है यूपी राजस्थान और एमपी तो इंडिया में तीन राज्यों में मिलेगा यूपी एमपी और राजस्थान में आपके घड़ियाल मिलेगा कहाँ यूपी पी और राजस्थान में घड़ियाल तुम्हारे भीतर कणिका में नहीं मिलते पर जो खारे पानी के मगरमच्छ होते हैं वो तुम्हारे भीतर कणिका में मिलते हैं ये तुम्हारे साफ नदी यानी कि ताजे पानी वाला गढ़ आपके मगरमच्छ है जो आपके गैंगेटिक डॉल्फिन जहां रहती है विक्रमशिला आपके विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य जहां है आपके हमारा यूपी बिहार के पास वहां पर आपके ये घडियाल भी आपको मिल जाएंगे तो यूपी एमपी और राजस्थान में ये आपके मिलेंगे अब ये क्यों कम होते जा रहे हैं उसके पीछे है मृदा का खनन आप लोग जो डैम्स बना लेते हो जो पुल बना लेते हो आपके डैम बना लेते हो आपके वाटर बैंक्स बना लिए जाते हैं एनिकट बना लिए जाते हैं उनसे इनका पानी रुक जाता है और पानी जब तक बहेगा नहीं तो साफ होगा नहीं साफ होगा नहीं तो ये बेचारे मर जाएंगे तो इसीलिए आपके डैम्स बनाने से चैक्स बनाने से ये चीज इनकी संख्या काफी कम होती हुई दिखाई दे रही है तो इस वजह से आपके घड़ियाल काफी नष्ट हो रहा है। घड़ियाल पर कई बार क्वेश्चन आए हैं ध्यान रखना अति संकट ग्रस्त है अब थोड़े से मगरमच्छों की के बाद में बात करते हैं आपके कछुओं की कछुओं पर बहुत क्वेश्चन आते हैं और अलग अलग प्रकार के कछु हैं पर आप सारे कछुओं को अलग अलग जगह पढ़ते हो तो मिक्स हो वो देखते हैं ताकि डिफरेंसेस आपको ढंग से समझ में आ जाए तो देखिए क्स बिल टर्टल जो होता है आपका हॉक्स बिल टर्टल हॉक्स बिल टर्टल एक बहुत ज्यादा एक्सप्लाइटेड स्पीशीज है बहुत ज्यादा एक्सप्लोइटेड स्पीशीज है ये आपके नेचर में प्रवासन करते हैं और कम से कम 25 से 40 साल तक ये जी सकते हैं और धीरे धीरे आपके वयस्क होते हैं ये ये आपके मेनली ऐसी जगह मिलेंगे जहां पर आपके मिट्टी वाले घाट हो मिट्टी वाले बीच हो इंडिया में ये आपके मिलते हैं मेनली अंडमान निकोबार और आपके जो तमिलनाडु और उड़ीसा का जो तट है वहां मिलेंगे अंडमान निकोबार तमिलनाडु और उड़ीसा का जो तट है वहां पर ये हॉक्स टर्टल मिलते हैं और ये क्यों नष्ट होते जा रहे हैं क्योंकि इनकी जो कवर होता है इनका जो कवर होता है हॉक्सबिल टर्टल का इसे कहते हैं कैराकस कैराकस का व्यापार होता है इनका जो खोल होता है शैल जो होता है उसका व्यापार होने की वजह से ये नष्ट होते जा रहे हैं और खासकर समुद्रों के अंदर जो आपके अंडमान निकोबार है उड़ीसा है तमिलनाडु है यहाँ पर क्या होता है जहाज़ों से कभी कभार ऑयल स्पिल हो जाता है और तेल फैलने की वजह से इन्हें सांस लेने में समस्या होती है क्योंकि ये आपके महासागरों में समुद्रों में नेक्टन कम्युनिटी में आते हैं जहाँ पर इनको सांस लेने के लिए थोड़ा ऊपर आना पड़ता है फिर वापस नीचे जाते हैं तो आपके ऊपर आते हैं फिर 40-50 मिनट नीचे रहते हैं फिर वापस सांस लेने आते हैं पर अगर आपके तेल आ जाएगा तो ये सांस नहीं ले पाएंगे फिर इनकी संख्या कम हो जाएगी तो ये आपके नेक्टन कम्युनिटी और इन टर्टल्स के कम होने का रीज़न है फिर कुछ लोग क्या करते हैं इनके अंडों को भी से कलेक्ट करने की अजीब सी हॉबी होती है कि इनके अंडों का कलेक्शन करते हैं आपके मांस के लिए भी इनको माना, मारा जा रहा है तो उस वजह से आए, इनकी संख्या कम होती जा रही है तो इसे ध्यान रखिएगा तो इस वजह से इनकी संख्या कम हो रही है आपके नाम है हॉक्स बिल टर्टल कहा मिलेंगे आपके अंडमान निकोबार और तमिलनाडु और उड़ीसा के तटों पर क्यों मारा जा रहा है इनको ऑयल स्पिल मीट के लिए इनके कैरेकस के यानी कि इनका जो खोल है शेल उसके व्यापार के लिए इनको मारा जा रहा है क्वेश्चन आ चुका है पहले पिल्डिम्स का लेदर बैग टर्टल पर तो ऑलरेडी आपके पिल्डिम्स का क्वेश्चन आ चुका है पहले इसका लेदर बैग टर्टल। तो काफी आपका इनका जो कवर होता है वो लेदर जैसा दिखाई देता है तो इसीलिए इनको लेदर बैक टर्टल कहा जाता है और ये काफ़ी बड़े एरिया में मिलेंगे ऐसा नहीं कि केवल हमारे महासागर तक सीमित है ये आपके एटलांटिक ओशियन में भी मिलते हैं प्रशांत महासागर में भी मिलते हैं और हिंद महासागर में भी मिलते हैं तो खासकर ये रहते हैं आपके लगभग बीस से तीस डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान के बीच में तो इसीलिए जो उष्ण क्षेत्र है आपके पूरा उसमें ये रहते हैं पूरा आपका जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वहां पर ये लेदरबैक टर्टल रहेंगे प्रशांत महासागर में भी अंटलांटिक महासागर में भी और आपके हिंद महासागर में भी तीनों में ही ये आपके रहेंगे तो इस चीज को ध्यान रखिएगा नाम है लेदरबैक टर्टल और ध्यान रखिएगा अभी तक के सभी कछुओं में सबसे बड़ी साइज का कछुआ होता है सबसे बड़ी साइज का खछुआता है जैसे इंडियन जो टोर्ट होते हैं इंडियन स्टार टोर्ट वो आपके सबसे छोटी प्रजातियों में से आते हैं और ये आपके पूरे विश्व की सबसे बड़ी प्रजाति के कछुए हैं देख रहे हो पूरी सड़क पर कितना बड़ा आपके ये फैला हुआ है तो इसीलिए लार्जेस्ट टॉर्टल ये होते हैं आपके और ये बिल्कुल लेदर बैग टर्टल होते हैं आपके आराम से एक दिन में 45 से 65 किलोमीटर तक भी ये चल सकते हैं और अगर देखा जाए तो इनका जो ऑयल इनकी जो पॉपुलेशन है उसमें लेदर बैग की वजह से इनको धीरे धीरे मारा जा रहा है खासकर जो आपके मछली पालन करने वाले जो लोग होते हैं वो इनको पकड़ लेते हैं इनके अंडों की वजह से इनको मारा जा रहा है और साथ साथ इनके जो प्रेडेटर्स हैं वो इन्हें नष्ट कर रहे हैं और आप देख सकते हो कि इनका अब ये क्या होते हैं बड़े भी होते हैं और आसपास जमीन पर जल्दी आ जाते हैं तो आसानी से पकड़ लिए जाते हैं ना, तो ये सारी चीजें हैं आपके टर्टल और काफी बड़ा होता है और जनरली इसको पाला नहीं जाता क्योंकि साइज इसका बहुत बड़ा होता है जो छोटे कछुए होते हैं उन्हें ऑस्ट्रेलिया में लोग पालते हैं जैसे इंडियन का ट्रेड बहुत हो रहा है आपके क्योंकि तो वो बहुत छोटे कछुए हैं और उनको पाला भी जाता है अब आपके एक टेरापिन की बात करते हैं जो कि है रिवर टेरापिन जिसे क्या कहा जाता है हिंदी में बतागुर बक्सा बतगूर बक्सा कहा जाता है जो कि आपके फॉर टो रिवर टेरापिन है और ये आपके ओमनी है ओमनी का मतलब क्या है जैसे मानव तुम्हारा ओमनी है शाकाहारी भी है मांसाहारी भी है तो ये आपके ओमनी है ये आपके शाकाहारी भी है मांसाहारी भी है पर ये रहती कहाँ पर है ताजे पानी वाली नदी और झीलों में फ्रेश वाटर रिवर्स और लेक्स में ये रहती है पाई जाती है आपके पूर्वोत्तर राज्यों के आसपास बांग्लादेश कंबोडिया इंडिया इंडोनेशिया और मलेशिया में आपके ये जो बतागूर बक्सा है वो आपके बांग्लादेश बांग्लादेश कंबोडिया इंडिया इंडोनेशिया और मलेशिया में पाया जाता है खासकर ये बहुत मर रहे हैं क्योंकि तो इनके जो इनका जो मास होता है इनका जो फ्लैश होता है उससे कुछ औषधियां बनती हैं तो वो औषधियां बनाने के लिए इनको मारा जा रहा है औषधियां बनाने के लिए आपके ये बेचारे बतागुर बक्सा को मारा जा रहा है और इनके अंडों की भी काफी डिमांड है और साथ साथ में आपके कुछ शिकार के जो रीजन है वो मेनली आपके अंधविश्वास भी हैं जैसे कि कई दवाइयों में तो चलो ये काम में आते हैं परंतु कई दवाइयों में काम नहीं भी आते तो भी अंधविश्वास के चलते इनका शिकार किया जा रहा है ये भी आपके क्रिटिकली इनडेंजर्ड हैं तो ध्यान रखेंगे ये है आपके बतागुर बक्सा या फोर टॉयड रिवर टेरापिन अब आपके बात कर लेते हैं थोड़ा सा रेड क्राउंड रेड क्राउंड रुफ्ट टर्टल इनका जो सर होता है वो थोड़ा सा लाल होता है ये देखिए यहां पर आपके बीच बीच में रेड पार्ट होता है तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है वो था आपका बतागुर बक्सा ये है आपका बतागुर कछुआ और ये आपके मेनली गंगा के जो बेसिन है गंगा का जो आपका तट है डेल्टा है वहां पर ये रहते हैं और बहुत ही ब्राइट कलर के ये होते हैं और मेनली ये क्या करते हैं आपके हैचिंग के लिए घोंसले बनाने के लिए तो स्थल पर आ जाते हैं और खासकर जो बहती हुई नदियां होती हैं, उनमें काफी गहराई में रहना ये पसंद करते हैं बहुत गहराई में रहना ये पसंद करते हैं पर आपके हैचिंग के लिए ये आपके ऊपर आ जाते हैं और बहुत ही ब्राइट कलर का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा दिखने वाला चीज है ये आपके तो इस चीज को कहा मिलेगा ये आपके इंडिया बांग्लादेश नेपाल यहां पर आपके मिलेगा बी आई एन बी आई एन में मिलेगा इंडिया बांग्लादेश नेपाल में और खासकर ताजे पानी में ही रहेगा क्योंकि गंगा बेसिन में रहता है तो आपके मेनली गंगा बेसिन में ही मिलेगा तो इस चीज को ध्यान रखेंगे अब ये इनकी मेनली वाटर पॉल्यूशन की वजह से जो जल प्रदूषण है उसकी वजह से और शिकार की वजह से इनकी मृत्यु हो रही है क्योंकि तो गंगा नदी में काफी प्रदूषण है उसी वजह से हमारी डॉल्फिन्स भी कम हो रही हैं और आपके जो सम, नदी की जो गाद है उस वजह से रेड क्राउन रूफ टर्टल आपके टर्टल आपके कम होता हुआ जा रहा है तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से ये कम आपके हो रहे हैं फिर आपके कुछ मश आपके छिपकलियों की बात है जिन्हें क्या कहा जाता है गई तो ध्यान रखिएगा गईको भी आपके रेप्टाइल सरी सर्फ की श्रेणी में ही आते हैं तो एक बार क्वेश्चन आया था गई पर और खासकर जो नई नई आपकी पश्चिमी घाट पर आपके जो स्पीशीज मिलती हैं उन पर आपके बात की जाती है तो देखो इसमें ज्यादा ध्यान नहीं रखेंगे केवल आपके क्योंकि इस पर क्वेश्चन आएगा तो तीन चार साल में एक बार आता है गईको पर क्वेश्चन अब ऐसा फिक्स नहीं है कि फिश और ये कछुए वल्चर इन तीन टॉपिक्स पर से ज्यादा क्वेश्चन आते ही आते हैं देखिए प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज आपके ऑलरेडी अन अकेडमी पर अवेलेबल है वीकली टेस्ट होते हैं संडे को तो आप आन, की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो है ना तो और आपके जो मर्ज पी है देखिए जो मर्ज पीडीएफ है आप लोगों को एक बार आपका इकोलॉजी का कोर्स हो जाए फिर मैं आपको सारी पीडीएफ एक साथ मर्ज करके दे दूंगा ठीक है तो एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाने दीजिए फिर आपको हम मर्ज कर कर दे देंगे सारी इकोलॉजी की पीडीएफ ध्यान रखिए पश्चिमी घाट के अंदर खास पश्चिमी घाट के अंदर ये एंडेमिक है इस विशेष क्षेत्रीय प्रजाति है स्थानीय प्रजाति है पश्चिमी घाट में मिलती है स्पेशली नीलगिरी के अंदर और कोचीन में मिलती है खासकर इनका जो आवास है वो कन्वर्ट किया जा रहा है इसीलिए नष्ट हो रहे हैं तो इसीलिए आपके नष्ट हो रहे हैं तो चलिए बस केवल आपके सिस्पेरा गाय को ही महत्वपूर्ण थी बाकी अब थोड़ी सी मछलियों की बात कर लो मछलियों पर अक्सर क्वेश्चन आते हैं और ये मिक्स हो जाती हैं आपको कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं मछलियां आपके तो इस चीज को ध्यान रखिएगा सर इकोनॉमिक पे एनसीईआरटी एंड करंट अफेयर छोड़ के कुछ और भी देखना पड़ेगा कि नहीं अगर आपने ढंग से आपके एनसीआरटी कर ली और अगर आपने ढंग से सारे करंट अफेयर कर लिए तो फिर कुछ आपको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है आपका काम हो जाएगा पर ईमानदारी से करंट अफेयर को पढ़ने का मतलब यह नहीं है एक बार बार पढ़ लिया और काम हो गया तीन बार रिवीजन करना पड़ेगा करंट अफेयर का तब वो याद रहेंगे नहीं तो करंट अफेयर बैकफायर कर जाता है तुमने एक बार पढ़ा आधी चीजें सब कुछ देखा देखा सा लगेगा कि हाँ यह भी मैंने पढ़ा ये भी मैंने पढ़ा पर एग्जैक्ट क्या होना चाहिए वो तुम्हें याद नहीं होगा और फिर तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर कर आओगे और नेगेटिव भी होंगे तो इसीलिए अगर करंट पढ़ो ज्यादा मत पढ़ो कम पढ़ो पर जितना पढ़ो उसको तीन बार रिवाइज करो तो तो आसानी से सेलेक्ट हो जाओगे और अगर ज्यादा पढ़ा और रिवीजन ज्यादा नहीं किया तो फिर नेगेटिव मार्क्स आएंगे और फिर उसको कोई कम नहीं कर सकता तो इसीलिए रिवीजन इज मस्ट इंपॉर्टेंट मिनिमम थ्री टाइम्स रिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर करंट अफेयर्स और खासकर जो भी मटेरियल तुम्हारा मई के अंदर आए याद रख लो नोट कर लो इस बात को मई के अंदर जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड मटेरियल आए उसको शपथ खा लेना कि ये मुझे छूना भी नहीं है नहीं तो तुम मई के अंदर नए नए मटेरियल आएंगे क्योंकि देखो तुम्हारा डर बढ़ चुका होगा मई में कि एग्जाम आने वाला है आने वाला है कॉन्फिडेंस लूज हो रहा होगा ये भी आदमी है वो भी याद नहीं है मार्क्स भी कम आ रहे हैं तो तुम नए से नए मटेरियल की तरफ भागोगे जिसमें तुम्हें झटके से सक्सेस मिल जाए और यूपीएससी कोई शॉर्ट टर्म गेम नहीं है जिसमें तुम्हें झटके से सक्सेस मिल जाए तो नए नए मटेरियल की तरफ भागोगे वो भी रिवाइज नहीं होगे उसका भी बर्डन लेकर आओगे और नेगेटिव और बढ़ जाएंगे तो इसीलिए शपथ खा लेना कसम खा लेना कि मई में कोई नया मटेरियल किसी भी हालत में नहीं उठाना है तो इस चीज को ध्यान रखना है ना तीन बार रिवीजन और मई में कुछ नया नहीं पढ़ना चाहे खुद यूपीएससी चेयरमैन आके कहे कि ये पेपर है पढ़ ले तो भी मत पढ़ना क्योंकि क्या पता हो झूठ बोल रहा हो तो इसीलिए किसी की बात मत मानना आपके पुराने पढ़े हुए को ही रिवाइज करना लास्ट मंथ में चलिए पौंडीचेरी की शार्क जो पौण्डीचेरी की जो शार्क है बहुत ही ज़्यादा रेयर है बहुत कम लोग इसे जानते हैं बहुत ही दुर्लभ प्रकार का प्रजाति है हिंद महासागर में हमारी पाई जाती है गल्फ ऑफ ओमान से लेकर पाकिस्तान इंडिया और श्रीलंका तक ये आपके पाई जाती है और कभी कभी आपके इंडिया से लेकर न्यू गएना तक भी ये आपको मिल जाएगी और खासकर आपके जो हुगली रिवर है वहां पर ये शार्क बहुत पाई जाती है और आपके ध्यान रखिएगा बहुत बड़ी शार होती है इसी वजह से आसानी से पकड़ में आ जाती है है ना तो इसी वजह से आपके आसानी से पकड़ में आ जाती है क्योंकि बहुत ही लार्ज होती है इसकी जो व्यापारिक है व्यापारिक इसका जो व्यापार है उसके बहुत दाम मिलते हैं क्योंकि इतनी बड़ी मछली कोई पकड़ कर लेकर जाएगा तो उसके काफी अच्छे दाम मिल जाते हैं तो इसीलिए आपके व्यापार के परचेस के लिए ये बहुत आसानी से बड़ी होने के कारण पकड़ में भी आ जाती है और इसका शिकार भी कर लिया जाता है इसीलिए तुम्हारे पौंडिचेरी शार्क नष्ट हो रही है और इवन हम हम मार्केट में कितनी शार्क बची है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड तक भी इंडिया के पास में नहीं है दूसरी मछली है आपके गंगे शार्क कौन सी है गंगा नदी की जो शार्क है वो ये आपके गंगा रिवर से लेकर बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी तक ये आपके पाई जाती है इसके जो दांत होते हैं वो आगे से ऐसे खोदने के लिए सिलेंडर टाइप होते हैं क्या है आपके सिलेंडर टाइप है आपके अच्छा अच्छा पुराने पीडीएफ आप लोगों को जो हमने नहीं दिए हैं दो तीन वीडियोस के आपके पास पीडीएफ नहीं आए हैं वो आज शाम तक हम डाल देंगे ठीक है टेलीग्राम ग्रुप पर जो भी वीडियोस के पीडीएफ आपको नहीं मिले पिछले दो चार दिनों से उन सभी को आज शाम को हम डलवा देंगे ठीक है तो इस चीज़ को ध्यान रखना देखिए इकोनॉमिक्स का जो वीकली करंट अफेयर है वो आपका आज नहीं हो पाएगा कल हम आपका इकोनॉमिक्स का वीकली करंट अफेयर ले लेंगे ले जहाँ तक है रात को दस बजे आपका कल इकोनॉमिक्स वीकली करंट अफेयर होगा और जैसे हमारी टेन थर्टी पर साइंस और एनवायरनमेंट की क्लासेस चलती हैं बारह बजे वो एज यूजुअल चलेंगे आपके तो कहां कहां मिलता है ये आपके गंगा के शार्क बंगाल की खाड़ी और गंगा रिवर तो इंडिया में और पाकिस्तान में आसानी से मिल जाएगा और यह आपके हुगली नदी के किनारे पर भी आपके मिलेगा यहां पर भी आपके मछली पालन करने वाले लोग इन शार्क को टारगेट करते हैं और खासकर प्रदूषण की वजह से भी आपके क्योंकि ये ताजे पानी में रहने के लिए अभ्यस्त हैं और यहां पर आपके जो पॉल्यूशन हो रहा है जो डैम्स बनाए जा रहे हैं उस वजह से डैम्स और पॉल्यूशन की वजह से इनकी संख्या कम होती जा रही है तो इस वजह से आपके ये जो गैंगेटिक जो गंगा के जो शार्क हैं वो आपके कम होते हुए जा रहे हैं तो इस चीज को ध्यान रखिएगा ये आपके गैंगेटिक शार्क हैं फिर दूसरी आपके एक फिश आती है जिसके जैसे कि नाइफ टूथ होते हैं जैसे कि तुम्हारे चाकू होता है दो तरह के चाकू आते हैं एक तो पूरा फिक्स आता है और एक ऐसा जिस, चाकू जिसमें कांटे कांटे से बने होते हैं बिल्कुल वैसे ही नाइफ टूथ सॉपिश इसके जो दांत होते हैं वो बिल्कुल ऐसे कांटे की तरह बने होते हैं जैसे कि देख सकते हो ये वाला कांटा अब इसके अंदर ऐसे ऐसे रिंकल्स होंगे तो ऐसे चाकू टाइप में इसके दांत होते हैं तो इसीलिए इसको नाइफ टूथ सॉफिश कहा जाता है बिल्कुल ब्लेड की तरह इसके दांत होंगे आपके और यह है आपके खासकर जो थोड़ा सा शैलो कोस्टल वाटर होते हैं और एस्चूरीज होती हैं जो आपके बहुत ही छिचले कम गहरे बहुत ही कम गहरे आपके तटीय क्षेत्र होते हैं और ज्वार नदमुख होते हैं वहां पर ये नाइफ टूथ सॉपिस पाई जाती है कहाँ मिलेगा हमारे पास इंडो पैसिफिक रीजन के पश्चिमी भाग में जो लाल सी है जो आपके लाल सागर है और जो हमारा इंडिया और प्रशांत महासागर का पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर लाल सी के आसपास ये लाल सागर के आसपास ये मिलेंगे और सबसे बड़े रीजन जो है इनके नष्ट होने का वो है फिशरीज इनको बिल्कुल टारगेट करके मारा जाता है बिल्कुल इनके लिए आपके 10 10 15 15 दिनों तक मछुआरे घूमते रहते हैं और बिल्कुल टारगेट करके इनको मारते हैं और इनके जो सॉफिश होते हैं उसी वजह से इनका शिकार करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है पर इनका शिकार करना बहुत साहस की बात मानी जाती है तो इसीलिए बड़े बड़े आपके नेट जाल बिछा बिछा कर इनको मारा जाता है इवन आपके फिशिंग कॉन्ट्रासेप्शन भी इनको दिया जाता है और इनको जो पकड़ लेते हैं फिर बहुत हाई क्वालिटी में बहुत ही अच्छे दामों में ये जीव आपके बिकते हैं तो इसलिए ये करते हैं फिर आपके दूसरा सॉफिश है जिसके दांत लंबे होते हैं वो है लार्ज टूथ सॉफिश ये भी क्रिटिकल एंडेंजर्ड है और यह आपके इसके ये आपके अक्सर ही अक्सर आपके जो बुल शार्क है और जो ग्रीन सॉफिश है उसके साथ में मिलते हैं ये भी आपके पश्चिमी पार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक ओशियन मिलेंगे तो ध्यान रखो जितने भी शार्क तुम्हें मिल रहे हैं वो हमें इंडो पैसिफिक ओशियन के पश्चिमी पार्ट में ही मिल रहे हैं आपके बंगाल की खाड़ी के साइड में तुम्हें ज्यादा शार्क नहीं मिल रहे मैक्सिमम कहा मिल रहे हैं वेस्टर्न पार्ट में तो अगर कोई टॉपिक तुम्हें नहीं भी पता है तो अगर गैस लगाना है अनुमान लगाना है तो तुम इंडो पैसिफिक रीजन के पश्चिमी साइड की तरफ लगाइएगा तो वहाँ पर सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे क्योंकि यहाँ का पानी इस प्रकार का है और थोड़ा सा स्थल आबद्ध क्षेत्र है बंगाल की खाड़ी के कंपैरिजन में अरब सागर वगैरह के हैं थोड़े से आपके स्थल आबद्ध होते हैं तो वहाँ पर छिछला पानी मिल जाता है तो फिर काम हो जाता है तो ये आपके इंडो पैसिफिक रीजन में ईस्ट अफ्रीका से लेकर न्यू गना फिलीपींस और वियतनाम से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक भी आपके पाए जाते हैं और ये मेन इनके मरने का रीजन भी क्या है इनकी डिमांड आपके एक्वेरियम वगैरह में रखने के लिए बहुत बढ़ गई है मनोरंजन के लिए पालने के लिए इनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है और ऊपर से जो कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं डैम के नदियों के ऊपर प्रदूषण के इंडस्ट्रीज का जो गाद है वो आ जाता है इस वजह से ये आपके बहुत तेजी से मर रहे हैं तो ये है आपके लार्ज टूथ सॉफिश क्या है लार्ज टूथ सॉफिश अब पढ़ेंगे हम लॉन्ग कॉम सॉफिश जैसे आपकी कंगी होती है बिल्कुल कंगी की तरह ही इनके आपके कंगी की तरह ही इनकी शेप होती है इसीलिए इसको बोलते हैं लार्ज कॉम्ब बड़ी कंगी है आपके सॉफिश तो क्या कहते हैं इसको लार्ज कॉम सॉफिश कोई नहीं बिल्कुल जल्दी ही टेन दस से बारह मिनट में सेशन समाप्त हो जाएगा डोंट वरी है ना तो लॉन्ग कॉम सॉफिस कहा जाता है क्योंकि तो आपको फिशरीज पढ़ाने के बाद में आपके कुछ मकाऊ बंदर वगैरह बचेंगे जिनमें हम केवल मेन मेन स्पीशीज की बात करेंगे बाकी पीडीएफ आपको दे देंगे तो उसमें से आप खुद कर लीजिएगा तो केवल हम मेन मेन टॉपिक्स को ही डिस्कस करेंगे तो देखिए ये रहते कहाँ पर है जो आपके मिट्टी वाली दलदली भूमि होती है मडी एरिया जो होता है वहां पर ये रहते हैं खासकर वगैरह एरिया पर ये रहते हैं कहा मिलेंगे हमें इंडो पैसेफिक रीजन में ही मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया कंबोडिया चाइना इंडिया इंडोनेशिया और मलेशिया में ये आपके मिलते हैं ये बहुत जल्दी डैमेज होते जा रहे हैं टारगेटेड हैं इनका व्यापार करने के लिए बहुत ज्यादा इन्हें पकड़ा जा रहा है और खासकर ये जो शार्क हैं वो जाल में आसानी से फंस जाते हैं और आपके इक्वेरियम में दिखाने के लिए आपके डिस्प्ले के लिए भी इनको रखा जा रहा है इसीलिए ये नष्ट होते जा रहे हैं तो ये सारे रीजन है आपके अब देखिए कुछ उभयचरी जीव जंतु हैं जिसमें आपके नए आपके जो मैडक हैं वो मिलते रहते हैं जैसे कि आप नाम ध्यान रख लीजिए बाकी पीडीएफ में पढ़ लेना एक हमारे अन्ना मलाई रीजन में अन्ना मलाई फ्लाइंग फ्रॉक मिलता है एक अन्ना मलाई रीजन का उड़न उड़न आपके मेडक मिलता है वो आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ऐसे एक बार क्वेश्चन आया हुआ है आपका गुंडिया इंडियन फ्रॉग पर ये भी ध्यान रखिएगा ये भी अति संकटग्रस्त है केरला का आपका इंडियन फ्रॉग ये भी आपका अति संकटग्रस्त है और ऐसे ही आपका चार्ल्स डार्विन फ्रॉग है जो हमारे नॉर्थ अंडमान सैडल पीक जो है आपके अंडमान की वहां पर ये रहता है और उस आपके जंगलों के नष्ट होने की वजह से आपके ये मर रहा है ऐसे ही आपके कोटिगर बबल नेस्ट फ्रॉग भी है वह भी अति संकटग्रस्त है अंबोली बुश फ्रॉग भी आपके अति संकटग्रस्त है और आपका जो बबल नेस्ट फ्रॉग है यह भी अति संकटग्रस्त है तो अब ऐसे कुछ अलग अलग फ्रॉक्स हैं जिनको आप देख लीजिएगा आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे वैसे इन पर क्वेश्चन कम आते हैं और खासकर मेडको पर क्वेश्चन आता है तो पिछले दस सालों में एक बार गुंडिया इंडियन फ्रॉग पर क्वेश्चन आया हुआ है तो यहां से आने के चांसेस कम हैं पर एक बार जब आपको पी मिले तो इसमें जरूर देख लीजिएगा क्योंकि तो कुछ बीस प्रकार के मेडक हैं अक्सर पश्चिमी घाट में हर साल दो तीन दो तीन मिलते रहते हैं इसीलिए पूछा जाता रहता है एक क्वेश्चन आपके प्रस में पहले पूछा गया था रामेश्वरम ऑर्नामेंटल रामेश्वरम पैराशूट स्पाइडर इस पर इसलिए पूछा गया था इसका जो नाम है वो हमने रामेश्वरम ऑर्नामेंटल या रामेश्वरम पैराशूट स्पाइडर रखा है और यह आपका क्रिटिकली है ये आपके 2004 में जाकर हमें मिला था कहां मिला था आपके 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 ये खासकर जो और छुपने की जगह जहां होती है वहां पर ये रहते हैं इनका बिल्कुल ये एंडेमिक है इंडिया की स्थानीय प्रजाति है आपके स्पाइडर की ये मुख्यतः आपके रहती है तटीय सवाना क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय लोलैंड और आपके जो वर्षा वन होते हैं वहां पर या फिर आपके पर्वतों पर जो माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं वहां पर ये आपके मिलते हैं मेनली ये नष्ट होते जा रहे हैं क्योंकि यहां पर इनका जो आवास है वो बहुत तेजी से बदला जा रहा है आपके आवासीय संरचनाओं में चेंजेस हो रहे हैं इसलिए बिल्कुल मर रहे हैं तो ये आपके इसलिए पूछा गया था एक बार ही इस पर क्वेश्चन आया है और वो टफ क्वेश्चन था काफी कम बच्चों ने ही उसको अटेम्प्ट कर पाए थे तो इस तरीके से आपके बाकी और भी स्पाइडर्स हैं दो प्रकार के स्पाइडर्स की बात की जाती है तो लास्ट में हमने आपको सारे के सारे जो भी आपके अति संकटग्रस्त प्राणी हैं सारे जीव हैं उनको एक ही स्लाइड में भी डाला है तो एक बार आप पहले पूरी पी पढ़ लीजिएगा लास्ट में आप एक ही स्लाइड से एग्जाम देने जाने से जस्ट पहले एक या दो स्लाइड भी एक या दो पेज भी ढंग से पढ़ोगे तो तुम्हें सारी चीजें यहां पर मिल जाएंगी तो सभी चीजों को एक ही जगह हमने मर्ज कर दिया है दो तीन पेज में तो लास्ट में रिवीजन करने के लिए भी बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा तो सारे जीव जंतु आपको एक ही टाइम में मिल जाएंगे तो इसलिए आप सारी पीडीएफ को ढंग से पढ़ लीजिएगा ओके गाइस तो आज के लिए इतना ही करते हैं काफी ज्यादा फैक्ट हो गए हैं आज की क्लास में तो इसीलिए जब पी मिले तो हाथों हाथ रिविजन जरूर कर लेना हाथों हाथ रिविजन करोगे तभी ज्यादा फायदा रहेगा और इससे लिख लेना हंड्रेड कम से कम दो से तीन क्वेश्चन और मैक्सिमम पांच क्वेश्चन इस क्लास से आएंगे और अगर एक सवा घंटे की क्लास से अगर तुम्हारे तीन क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो बहुत ज्यादा बड़ा आउटपुट है आपका तो इसीलिए इसको रिवाइज करना मत भूलिएगा फैक्ट थोड़े ज्यादा हैं किसी को थोड़ा बोरिंग भी लग सकता है परंतु क्या करे एग्जाम में अगर पूछा है तो जवाब देना पड़ेगा तुम्हारी पसंद के अनुसार सब्जेक्ट नहीं बनेंगे तुम्हें तो सलमान खान की मूवी पसंद है तो उस पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन एग्जाम में इन्हीं चीजों पर आएंगे ठीक है तो इस चीज को ध्यान रखना पीडीएफ तुम्हें मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर सर्च करना है एट द रेट अन अकेडमी एस के शर्मा को ठीक है और आप कोई भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन रिलेटेड डाउट हो क्वेरी हो तो यहां पर आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं So okay bye guys thank you to all of you and please like and share and happy learning to all of you